उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने निकाली पूरे प्रदेश में व्यापारी स्वाभिमान यात्रा, जो कि 13 मार्च से सहारनपुर से चलकर पूर्वांचल, फतेहपुर, बुंदेलखंड, बनारस सहित सभी जिलों व प्रदेश में निकाली जाएगी। वहीं मुकुंद मिश्रा ने अपने बयान में ये भी स्पष्ट कहा है कि हमारा व्यापार मंडल अराजनैतिक दल है। इसमें हमारे सभी व्यापारी भाई उस सरकार व राजनैतिक पार्टी के साथ हैं जो पार्टी हमारे व्यापारी भाइयों के हित में हो और हमारे व्यापारियों के हित में कार्य भी करे। प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने खागा आगमन होने के बाद खागा बाईपास, बस स्टॉप व चौक में प्रदेश अध्यक्ष को रोक रोक कर लोगों ने माला व फूलों से स्वागत किया। तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष का काफिला किशनपुर की ओर रवाना हो गया। किशनपुर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा की अगुवाई में किशनपुर गलियों में भी व्यापारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने पैदल गश्त कर व्यापारियों की समस्याएँ सुनी और पूरे मामले के बाद प्रदेश अध्यक्ष के साथ किशनपुर के सैकड़ों व्यापारियों ने बैठक की भी। बैठक में कई व्यापारियों ने अपने अपने मुद्दों व समस्याएं भी बताईं। व्यापारियों ने बताया कि शासन प्रशासन उन्हें प्रताड़ित कर उन्हें व्यापार करने में बाधित कर रहा है, जिसके जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया कि व्यापारी स्वाभिमान यात्रा पूर्ण होने के बाद पूरे प्रदेश में जिन व्यापारियों के साथ शोषण हो रहा है उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके वह सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पूरे काफिले के साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मित्रा के आवास में भोजन भी किया और इस मौके पर प्रमुख रूप से व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सहित राजू दुबे, अनूप कौशल, पुनीत पांडे, उमाशंकर अग्रहरि, हरीश श्रीवास्तव, कुमारी सिंह, दुर्गा प्रसाद अग्रहरि, अखिलेश शुक्ला, भरत शुक्ला, अनूप गुप्ता, श्री चंद्र अग्रवाल, जयसवाल, रामकृष्ण अग्रवाल, संजय श्रीवास्तव, वैभव अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, पप्पू विश्वकर्मा, रानी शर्मा, इसराइल फारूकी, सनी अग्रहरि, अंशु यादव सहित कई सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। संतोष मौर्य, ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर।